मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 10 वर्ष पहले इंदौर प्रीमियम कॉरपोरेटिव बैंक में संविदा नियुक्ति के आधार पर कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती की गई थी, जिसके बाद अब फरवरी से इन्हें बिना नोटिस दिए हटा दिया गया। वहीं प्रदेश भर में 600 से अधिक बैंक के ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें अपने पद से हटा दिया गया। तस्वीरों में जो नजर आ रहे हैं ये वे पंडित कर्मचारी हैं जिन्हें 10 वर्षों पहले इंदौर प्रीमियम कॉरपोरेटिव बैंक में कंप्यूटर ऑपरेटर पद पर संविदा नियुक्ति के आधार पर रखा गया था, लेकिन अब इन बैंक कर्मियों के ऊपर रोजगार का संकट आ खड़ा है, क्योंकि इन्हीं इंदौर प्रीमियम बैंक से सभी कर्मचारियों को कार्य विमुक्त कर दिया गया। वहीं पीड़ित कर्मचारी जब मंत्रियों के पास पहुंचे तो उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। बहरहाल अब ये कर्मचारी मंत्री व मुख्यमंत्री के दर पर दस्तक दे रहे हैं। वे इस उम्मीद में हैं कि इन्हें इनकी नौकरी वापस मिल जाए। ये वे कर्मचारी हैं जिन्होंने सरकार से जुड़ी योजनाओं में इन कंप्यूटर ऑपरेटर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अचानक से आए इस आदेश के बाद प्रदेश भर के 600 से अधिक कर्मचारी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं और सरकार से यही उम्मीद रख रहे हैं कि इन्हें इनका रोजगार वापस से मिल जाए। हम लोग जिला सहकारी बैंक की प्रदेश की सभी शाखाओं में 634 लोग कार्यरत थे और ये पिछले 2010 से हम लोग कार्यरत हैं, जो आयुक्त सहकारिता की अनुमति से हम लोगों की नियुक्ति की गई थी और सारे जिला सहकारी बैंकों को CVS प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए हमने मेहनत की और सारी सरकार की योजनाएं भी हम लोगों ने चलाई। आज भी तब से निरंतर हम लोग कार्यरत हैं। आज भी बैंकों को हमारी आवश्यकता है, इस हेतु सारे जिला बैंकों ने प्रस्ताव दिए आयुक्त सहकारिता को, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव ये खारिज कर दिया कि अब इनका कोई औचित्य नहीं है और हमारी सेवाएं अभी 17/2 को प्रस्ताव खारिज किया और 31 दिसंबर को हमारी सेवाएँ समाप्त कर दी गई। 31 जनवरी को माननीय विभागीय मंत्री जी से मिले, CM साहब से भी मिल चुके हैं, बस आश्वासन दिया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं अभी तक की गई है। केंद्रीय बैंक में संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर विगत 10 वर्षों से काम कर रहे हैं साहब, और शासन मतलब रजिस्ट्रार के आदेश से इन लोगों की नियुक्ति दी गई थी और 2010 में, और आज 2020 चल रहा है, 10 साल से लगातार काम करते आए। ये बैंक की योजनाओं को, जैसे किसान ऋण माफी योजना है, CBS करना ब्रांचों को, बैंक को, ये डाटा ऑपरेटर का अहम भूमिका रही है इनकी, और उसके बाद शासन ने अभी अभी 1 फरवरी को इनको बाहर कर दिया। लास्ट ईयर पिछले भी 6 महीने पहले भी ऐसे ही करा इनने, और जबकि माननीय मुख्यमंत्री के वचन पत्र में है कि इनको हमको परमानेंट करके और मतलब इनका निराकरण करना है क्या, और वचन पत्र में उन्होंने चुनाव के पहले घोषणा करी थी, लेकिन आज तक इन कर्मचारियों को किसी को नहीं हटाया जाएगा, पर आज इनको 1 फरवरी से सर्विस से बहाल कर दिया गया है, जबकि ये लोग अपनी एज बार भी पूरी नहीं कर पाए, मतलब पूरी हो गई एज बार, अब ये उस लायक नहीं रहेंगे कहीं और ऑर्गेनाइजेशन में मतलब अपना अप्लाई कर सके। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खबरें 24/7 के साथ।